सो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालकॉम के बारे में। क्वालकॉम का एक बिल्कुल न्यू प्रोसेसर अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में। और दोस्तों, आप अगर टेक्निकल गुरुजी का न्यूज़ देखते हो तो पिछले वाले टेक न्यूज़ में टेक्निकल गुरुजी ने कहा था कि क्वालकॉम का एक बिल्कुल न्यू प्रोसेसर अनाउंस हो चुका है जिसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 735। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी बारे में। तो आप अगर जानना चाहते हो इस बारे में तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करूँ इस प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करते हैं। तो ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाते 7nm FinFET टेक्नोलॉजी में। तो ये क्वालकॉम का बिल्कुल न्यू प्रोसेसर है जो कि आपको मिल जाए 7nm FinFET टेक्नोलॉजी में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है ये आपको मिड सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा होगा 7nm में आपको मिड सेगमेंट में अगर कोई आपको प्रोसेसर देखने को मिले तो आपके लिए बहुत ही वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। बात करूँ इस प्रोसेसर की CPU की, तो इसमें आपको 6 कोर आपको 2 कोर आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, 1 कोर आपको मिल जाए 2.8 GHz में कॉटेक्स A76 में, और आपको 1 कोर आपको मिल जाए 2.42 GHz में कॉटेक्स A76 में, और आपको 6 कोर आपको देखने को मिल जाते कॉटेक्स A53 में। और आपको इसमें क्लॉक स्पीड की बात करूँ, इसमें 1.8 GHz में 4 कोर आपको क्लॉक देखने को जो कि मिल जाती है। बात करूँ इस प्रोसेसर के कैमरा सपोर्ट की, तो इसमें आपको डुअल कैमरा सपोर्ट की बात करूँ, इसमें 20MP प्लस आपको 20MP के आपको डुअल कैमरा आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है। सिंगल कैमरे की सपोर्ट की बात करूँ, इसमें 32MP के आपको सिंगल कैमरा की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि इसमें आपको 48MP तक का आपको सिंगल रियर कैमरे की सपोर्ट आपको देखने को क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये प्रोसेसर तो आपको थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाती है। लेकिन क्वालकॉम की जो पिछले वाला जो प्रोसेसर था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 730, तो ये प्रोसेसर तो बहुत ही अच्छा था। इसमें आपको 48MP के आपको कैमरा सपोर्ट मिलती थी, लेकिन इसमें आपको 48MP तक का आपको सिंगल रियर कैमरे की सपोर्ट अभी तक आपको देखने को नहीं मिलती है। बात करूँ इस प्रोसेसर की अंतु बेंचमार्क स्कोर की, इसका लीक होकर सामने आ चुका है। इसका अंतु तो आपको लगभग 2,50,000 के आसपास इसका अंतु तो आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करें इसकी डिस्प्ले सपोर्ट की, तो इसमें आपको 4K तक का आपको डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिल जाती है 60fps में। अब बात करें इस प्रोसेसर की रैम की टेक्नोलॉजी की, तो इसमें आपको LPDDR4X के आपको रैम की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि रैम की टेक्नोलॉजी में आपको लेटेस्ट आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेल फॉर मनी हो सकता है। बात करें इस प्रोसेसर की लॉन्च डेट की, तो इसका लॉन्च डेट बहुत ही जल्द होने वाला है। मैं अगर बताऊँ कि इसका लॉन्च डेट, तो ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलता है मैं कुछ चैनल की मदद से बता दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ही लेना। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ उसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा।